लखीमपुर खीरी के चंदन चौकी इंडियन नेपाल बॉर्डर पे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नेपाल का कैलाली जिले का गांव पड़ता है और यहाँ से ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये यहाँ की सीमा है नेपाल की। लगातार पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस कप्तान ने कमाल संभाल रखी है यहाँ पे गश्त करके किसी तरीके की भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने, उसको लेकर अलर्ट को लेकर लगातार गश्त की जा रही है। हर उस पॉइंट पे जाया जा रहा है जहाँ से कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हो सकती हैं। हमारे साथ पुलिस कप्तान मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की किस तरीके से। देखिए, अभी हम लोग चंदन चौकी थाना क्षेत्र में, जो भारत नेपाल सीमा पे अवस्थित एक थाना है, यहाँ SSP के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ और हमारे साथ नेपाल के भी अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ संयुक्त गश्त किया गया है। और जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लोग से जो हमें हमारी अपेक्षा है उसको बताया गया है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी 120 किलोमीटर का जो दायरा है लखीमपुर का, भारत नेपाल सीमा का, और हम लोगों ने जो कवच आउटपोस्ट बनाया है उसको पूरी तरह मैंड कर दें और 24 घंटे वहाँ ड्यूटियाँ रहें। जितने भी लोग आते हैं उनकी सुविधाओं का, उनके परेशानियों का ध्यान में रखते हुए ये भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रॉपर चेकिंग हो जाए और जो नाम वगैरह आइडेंटिटी है उनको भी किया जाए। सर, ये जो इंडो नेपाल का लंबा खुला सीमा है, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं और किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ परंपरागत रास्ते हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जो पगडंडियों से बने हुए हैं। निश्चित तौर पे कभी कभी ग्रामीण जो होते हैं उस माध्यम से भी आते हैं कि उनको सहूलियत मिलती है। कोशिश ये रहती है कि किसी भी माध्यम से लोग आए, चाहे वो पगडंडी के माध्यम से आए, चाहे वो मेन रास्ता के माध्यम से आए, किसी न किसी छोर पर उनकी एक बार बातचीत कर लिया जाए, उनकी पहचान ले लिया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि कोई भी इन सज्जन लोग में, जो शरीफ लोगों के बीच में कोई ऐसे तत्व ना घुस जाए जो सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से घातक हो। आप किस किस मेथड को अपना रहे, क्या ड्रोन लगा रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी? देखिए, AS चेक वगैरह भी किया जा रहा है और तकनीक के रूप में बताऊँ कि जहाँ कुछ चौकियों में CCTV कैमरा भी लगाया गया है, कोशिश की जा रही है कि हर एक जगह CCTV कैमरा भी लगा दिया जाए। और जहाँ तक कि लोगों से सूचनाओं का आदान प्रदान है, तो हमारी जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, लगातार उनसे संवाद होती है, ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक होती है, उनसे भी लाभप्रद सूचनाएँ मिलती है। तो ये एक ऐसा वातावरण है जिसमें आपने देखा होगा कि पहले भी कई अपराधी, चाहे वो भारत के किसी भी छोर पर अपराध करके नेपाल भाग रहे थे, उनको पकड़ लिया गया था, या फिर नेपाल से भी कुछ ऐसे लोग जो सूचनाएं हमें मिली थी उनको पकड़ लिया गया है। तो स्थिति पे पूरी तरह हम लोग निगरानी रखते हुए, और जो हमारा भारत नेपाल सीमा है उसको, किस बॉर्डर को कितना हम और सिक्योर कर सकते हैं, इसी पहलू को लेकर आज संयुक्त गश्त किया गया और लोगों से मीटिंग की गई। बिल्कुल साफ तौर से कहना कि हर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी, जांच की जाएगी, हर तरीके से हर पैटर्न को अपनाया जाएगा। ये जो लंबा लंबा सीमा है और खुली सीमा है, इसके सामने पुलिस को चुनौतियां भी आती हैं। पुलिस नेपाल के सुरक्षा एजेंसियां और भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। मनोज शर्मा, News 18 लखीमपुर खीरी। देश को बनाने के लिए मतलब अपनी अपनी ड्यूटी करने लगे तो देश में